दिल्ली में सियासी खींचातान जोरों पर। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बड़ा खुलासा। दिल्ली के उपराज्यपाल पर लगे गंभीर आरोप। सबूत दिखाकर किया उपराज्यपाल को बेनकाब। अभी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का मामला शांत भी नहीं हुआ कि आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाया है। सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष रहते हुए उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई में खादी लाउज डिजाइन करने का ठेका दिलाया। इतना ही नहीं, उस लाउज के शिलापट्ट में शिवांगी सक्सेना का नाम भी लिखा है। जब ये खादी के अध्यक्ष थे उस समय इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खादी में जो अपनी सेवाएं देने का विभिन्न पदों के लिए एक्ट बना है उस एक्ट का दुरुपयोग करते हुए किसी और को नहीं अपनी बेटी को खादी के लॉन्च की डिजाइनिंग का जिम्मा दिया, अपनी बेटी को खादी के लॉन्च की डिजाइनिंग का ठेका दिया और उसका नाम मुंबई के उस लॉन्च के उद्घाटन पत्थर पे लिखा हुआ है। यह है वो शिलापट जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह है वो खादी का लॉन्च जो मुंबई में बनाया गया और इस खादी के लॉन्च का डिजाइनिंग का ठेका किसी और ने नहीं, वीके सक्सेना जी जब केवीआईसी के चेयरमैन थे तो उन्होंने अपनी पुत्री शिवांगी सक्सेना को दिया और इनका नाम इस पत्थर पर आप देखेंगे, इंटीरियर डिजाइनर शिवांगी सक्सेना लिखा हुआ है। ये सारे कागज अभी आपको दे देंगे हम। इंटीरियर डिजाइनर शिवांगी सक्सेना और ये मंत्री जी हैं। मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और ये मौजूदा एलजी साहब हैं जो उस समय केवीआईसी के अध्यक्ष थे, वो भी उनके साथ मंत्री जी के साथ इस उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने एलजी सक्सेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। दिल्ली के उपराज्यपाल के मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर तमाम कारनामों से जुड़ी हुई पत्रकार वार्ता है और मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, दिल्ली के लोगों ने क्या अपराध किया है 130 करोड़ की आबादी में एक भी ईमानदार और अच्छा आदमी आपको दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए नहीं मिला, एक भी ईमानदार और अच्छा आदमी आपको दिल्ली के आईएलजी के पद के लिए नहीं मिला। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं दिल्ली में दागी एलजी क्यों रखा है आपने, दिल्ली से दागी एलजी को हटाना पड़ेगा, दिल्ली के इस दागी एलजी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सांसद संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष रहते हुए उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई में खादी लाउज डिजाइन करने का 80 करोड़ रुपए का ठेका दिलाया। इतना ही नहीं, उस लाउज के शिलापट्ट में शिवांगी सक्सेना का नाम भी लिखा है। संजय सिंह ने आगे कहा कि खादी ग्रामोद्योग का एक्ट कहता है कि अध्यक्ष पद पर रहकर परिवार के किसी भी सदस्य को काम नहीं दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।